आपराधिक न्याय प्रणाली जो अभी हमारे देश के अंदर काम कर रही है उसमें ये बैलेंस बिगड़ गया था और हमने इसके अंदर बैलेंस ऑफ वर्क का बहुत बारीकी से ध्यान रखा है। अगर मैनेजमेंट के विद्यार्थी इसको बारीकी से देखेंगे, मैनेजमेंट के विज्ञान के हिसाब से देखेंगे, तो उनको मालूम पड़ेगा कि बैलेंस ऑफ वर्क को कितना फाइन ट्यून कर ये कानून के अंदर हमने प्रस्तापित करने का प्रयास किया है। और मान्यवर, मैं आपको और आपके माध्यम से सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस कानून का संपूर्ण इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद तारीख पे तारीख का जमाना जाएगा, 3 साल में किसी भी विक्टिम को न्याय मिल जाए, ऐसी न्याय प्रणाली इस देश के अंदर प्रस्तापित होगी। मान्यवर, ये लोग जो पूछते हैं क्या होगा इस कानून से, मैं आज उनको बताना चाहता हूं, मान्यवर, आज इस कानून को इस सदन के आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 19वीं सदी से निकलकर 2 सदियों का फासला काटकर 21वीं सदी में सीधी प्रवेश करेगी। मान्यवर, क्या होगा इस कानून से, मूल भारतीय परंपरा की न्याय की अवधारणा को समग्र विश्व को हम परिचय करा पाएंगे और इसके सुफल इस देश की जनता चख पाएगी। क्या होगा इससे जो पूछते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, विश्व की सबसे आधुनिक और वैज्ञानिक न्याय प्रणाली का भारत की 140 करोड़ की जनता के लिए उपस्थित। क्या होगा इस कानून से जो पूछते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि आज जो विद्यमान है वो सारी तकनीक और आने वाले 100 साल तक जो तकनीक आगे बढ़ सकती है, वो सारी तकनीक को सिर्फ रूल्स में परिवर्तन कर समाहित किया जाए, इतनी दूरदृष्टि के साथ तकनीक को इस कानून के अंदर समाहित किया जाए। जो पूछते हैं क्या होगा इस कानून से, मैं उनको कहना चाहता हूं कि 7 साल से ज्यादा सजा है वो सभी घृणित अपराधों के लिए हमने फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की विजिट को कंपल्सरी किया है, जिससे कन्विक्शन रेशियो के अंदर बढ़ावा होगा। ये जो पूछते हैं क्या होगा इस कानून से, इनको मैं कहना चाहता हूं, अंग्रेज चले गए, पूरे देश में 4 प्रकार की न्याय प्रणाली चलती थी, आज कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर कामाख्या तक इस कानून के आने के बाद एक ही प्रकार की न्याय प्रणाली का चलेगी। मान्यवर, ये पूछते हैं क्या होगा, मैं इनको बताना चाहता हूं, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की बात थी, वो आप विदेश से आए हुए कंसेप्ट और एनजीओ को थोपे गए विचारों से करते थे, हम मातृशक्ति के सम्मान के लिए परंपरागत हमारा जो सम्मान है वो सम्मान को इस कानून के अंदर कानून का स्वरूप देने में सफल हुए, मैं बताना चाहता हूं। मान्यवर, जो पूछते हैं क्या होगा इस कानून से, आजादी के 75 साल तक और 4 दशक से आतंकवाद का दंश झेलने के बाद इस देश की आपराधिक न्याय प्रणाली के कानूनों के अंदर आतंकवाद की डेफिनेशन नहीं थी, नरेंद्र मोदी जी ने 0 टॉलरेंस टुवर्ड आतंकवाद का परिचय कराते हुए टेररिज्म की डेफिनेशन को इसके अंदर शामिल किया है। मान्यवर, जो पूछते हैं इस कानून से क्या होगा, मैं उनको बताना चाहता हूं कि इस कानून से राज्यद्रोह अब देशद्रोह के अंदर बदल गया है। राज्य के शासन की रक्षा के लिए एक जमाना था जब ब्रिटिश ताज का इस देश के अंदर शासन था, मान्यवर, रानी के खिलाफ कोई आवाज नहीं कर सकता, फांसी पे चढ़ा दिए जाए, महात्मा गांधी हो, तिलक महाराज हो, वीर सावरकर हो, वो राजद्रोह के कानून में कई साल जेल में रखे और आपने भी इसका उपयोग बखूबी किया, बखूबी किया, इमरजेंसी के अंदर ढेर सारे लोगों को जेल में डाल दिया, ढेर सारे विपक्ष के नेताओं। मान्यवर, हमने राजद्रोह के अंग्रेजी कंसेप्ट को समाप्त कर दिया है, शासन के खिलाफ कोई भी बोल सकता है इस देश के अंदर, अब वाणी स्वतंत्रता का अधिकार भी है और लोकतंत्र है, मगर देश के खिलाफ आप नहीं बोल सकते हो, देश के खिलाफ बोलोगे, देश के खिलाफ कुछ करोगे, देश के हितों को नुकसान करोगे तो कठोर से कठोर दंड का प्रावधान इस कानून के अंदर। व्यक्ति और देश के बीच में क्या अंतर होता है,
डेमोक्रेसी का जो मूल विचार है, लोकतंत्र का जो विचार है, देश महान होता है, व्यक्ति महान नहीं होता है। माननीय, इसको इस कानून के माध्यम से हम ला रहे हैं।